अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोगों के पास ये प्रॉब्लम नंबर 88 है, डेफिनेट इंटीग्रल है, लिमिट डिफाइन है 1 से लेकर अंडर रूट 5, ठीक हो गया। अब इसकी लिमिट को डिफाइन होते हुए हम लोगों ने इसको सॉल्व करना और इसमें आखिर में लिमिट पुट करके हम लोगों ने इसे सिंप्लीफाई कर लेना। अब इधर एक रूल एग्जिस्ट करता है, पहले तो हम इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं ना, इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। वो हमारे पास क्या हो जाएगी जी, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 अंडर रूट 5 एज इट इज, ठीक है। यहाँ पे 2t-1 की पावर 3 और ब्रैकेट लगा लेंगे, जो अंडर रूट खत्म की इसकी जगह 1/2 और dt, ठीक हो गया। इसके बाद अगला स्टेप हमारे पास होगा 1 से लेकर अंडर रूट 5 एज इट इज और ब्रैकेट और 2t-1 और ये जो 3 है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3/2 आ जाएगा और dt, ठीक हो गया। अब t वेरिएबल है, डमी वेरिएबल यूज कर लें। अब हमारे पास यहाँ पे एक रूल एग्जिस्ट करेगा, वो ये है कि अगर फंक्शन है, फंक्शन का आगे डेरिवेटिव है, एक्स 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 यूज हो रहा है, आप भले इधर टी 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 भी यूज कर सकते हो, ठीक हो गया। मतलब ये रूल है, रूल, इट्स कॉल्ड अ रूल, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या निकल आएगा, एफ ऑफ टी की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन, ठीक हो गया। प्लस सी नहीं लिखेंगे क्योंकि प्लस सी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, लिमिट डिफाइन है। इसके बाद हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, कि अब इसका फंक्शन, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो फंक्शन है ना, फंक्शन है फॉर एग्जांपल फंक्शन की पावर एन, वो है 2t-1, क्योंकि हम सिर्फ इसके अंदर वैल्यू दे। फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, फंक्शन का डेरिवेटिव 2 होना चाहिए, क्योंकि t की जगह 1-0 तो 2 होना चाहिए। अब हमारे पास यहाँ पर 2 एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन के साथ, इक्वेशन नंबर 1 के साथ 2 डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई भी करा लेंगे और डिवाइड भी करा लेंगे। इसके बाद हमारे पास क्या होगा कि यहां पे 2 डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, 1 से लेकर अंडर रूट 5 इसकी लिमिट है और ब्रैकेट एज इट इज 2t-1 की पावर 3/2 dt, ठीक हो गया। इसके बाद हम 2 अंदर ले जाएंगे, 1/2 बाहर एज इट इज, 1√5 लिमिट 2t-1 की पावर 3/2 और 2 अंदर चला गया, क्योंकि ताकि ये फंक्शन है, ये फंक्शन का डेरिवेटिव है ये, ठीक हो गया, ये फंक्शन का क्या है, डेरिवेटिव। अब इसके बाद हमारे पास क्या होगा कि बेसिकली 1/2 एज इट इज आ जाएगा, ब्रैकेट 2t-1 की पावर 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1, प्लस नहीं, इसकी लिमिट है 1/√5 लिमिट। अब इसके बाद हम सिंप्लीफिकेशन करके 1/2, यहाँ पे एलसीएम 3/2 प्लस 1 का एलसीएम क्या आएगा, 3/2 प्लस 1, 2 एलसीएम 3 प्लस 2, तो ये 5/2 आ जाएगा। तो 1/2 इसको हम उलट करके लिख देंगे, ये 2 ऊपर आ जाएगा तो 2/5 और इधर आ जाएगा 2t-1 की पावर 2/5, ठीक हो गया, और 5/2 इसकी समझ आई है। ये बन रहा था 5/2, ये वाली चीज ना, ये नीचे वाली चीज क्या बन रही थी, 5/2 ये, ठीक हो गया। इसकी जगह 5/2 पुट किया और 5/2 को मैंने उलट करके 2 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करा लिया, मतलब इसके नीचे, इस पूरे के नीचे क्या है, यहां पर 2 है और इस पूरे के नीचे 5 है। ये जो सिंप्लीफिकेशन के बाद इधर जो 2 था वो इधर ऊपर मल्टीप्लाई हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, अब हम इधर इसमें लिमिट पुट करनी है, 1/√5, ठीक हो गया। तो 1/2 एज इट इज और 2/5 भी एज इट इज, यहां से 2 और 2 काट देते हैं और 2t+1 की पावर 5/2 और 1/√5, ओके, ठीक है। यहां से आ जाएगा 1/5 ब्रैकेट 2t की जगह √5 प्लस 1 की पावर 5/2, ठीक है। यहां पे मैंने t की जगह उसकी वैल्यू पुट की 2t और ये आ गया इसकी पहली वाली जो है लिमिट पुट होगी, अपर लिमिट t की जगह, माइनस फिर ब्रैकेट 2t की जगह आ जाएगा 1 प्लस 1
और ब्रैकेट क्लोज, 1/5 टू अंडर रूट 5 प्लस 1, 2 अंडर रूट 5 प्लस 1 की पावर ही कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो तो इसका कोई ना कोई आंसर आ जाएगा। यहां पे 3, ठीक है, यहां पे आ जाएगा जी 1/5। इसका आंसर मेरे पास कांस्टेंट क्या आ रहा है, यहां पे मैंने कोई मिस्टेक भी नहीं करी, ये माइनस वन है स्टूडेंट्स, ये माइनस वन है तो यहां पे प्लस वन नहीं होगा, माइनस वन होगा, माइनस वन, ठीक हो गया, ये मिस्टेक कर दी यार मैंने, असल में शुक्र करें मेरे पास नोट्स होते हैं। तो यहाँ पे 2 माइनस 1 की जगह 1 आ जाएगा, ठीक हो गया, और यहाँ पे ये एज इट इज, ये क्या एज इट इज, तो इसका जो सॉल्यूशन सेट एग्जिस्ट करके वो 2 अंडर रूट 5 माइनस 1 की पावर 5 बाई 2 प्लस 1 माइनस 1, क्योंकि लिमिट में माइनस होता है ना, माइनस 1, और ये इसका सॉल्यूशन आ गया। इसके लिए माजरा तैयार, वो मैंने नीचे से देखा नहीं, ठीक हो गया, ये प्रॉब्लम नंबर 88 था। अब इसके बाद आते हैं प्रॉब्लम नंबर 89 की तरफ और उसको सॉल्व कर लेते हैं।